हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह ही सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेज के आ गई हूँ मैं अपने इस वाले रूम में। तो ये हमारा थोड़ा स्टोर रूम टाइप का रूम है जहाँ पे साइकिलें, खाट वगैरह और ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो आज इस रूम की सफाई होगी, तो निकालेंगे सारा सामान बाहर और फिर सफाई करेंगे। तो यहाँ पर चूहों ने भी बहुत ज़्यादा सीमेंट वगैरह पता नहीं क्या क्या निकाल दिया यहाँ चूहों ने, तो काफ़ी जगह चूहों की पट्टी भी है क्योंकि चूहे इस कमरे में बहुत आतंक मचाते हैं, बहुत ज़्यादा जगह जगह पूरा फैला रखा है चूहों ने। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इतनी सारी तो चूहे की पट्टी निकलेगी बहुत सारी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सारा जो है सामान बाहर आ गया है, खाटे और ये बच्चों की साइकिलें, तीन चार पाइप भी लेते हैं ना, तो इन साइकिलों की भी धुलाई होगी। ये साइकिलें इतनी थड़ी पड़ी हैं, आई मीन रख के कमरे में धूल धूल हो गई इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो अब इन साइकिलों के ऊपर भी पानी मारा जाएगा। एक साइकिल ही है, एक साइकिल हुआ है, एक दो और तीन पांच साइकिलें, तो यहाँ साइकिलों की पूरी फौज है। कूलर अभी हमने बाहर में बाहर रखे हुए हैं, जब हमारी सफाई हो जाएगी ना कमरे की फिर हम इन कूलर को अंदर करेंगे। देखो ये खाली हो चुका है, ओ खाली होने के बाद अब इसकी जो है सफाई कर रही हूँ मैं, और मैंने कपड़ा मुंह पर लपेट लिया, तैयार हो गया सफाई करने के लिए क्योंकि धूल काफी उड़ रही थी। सफाई करते करते मेरी नाक के अंदर चढ़ रही थी, नहीं तो मुझे जुकाम हो जाएगा एकदम से। तो चलते हैं और करते हैं सफाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ चल रही है साइकिलों की धुलाई, तो साइकिल भी अंदर रख के धूल में इतनी ज़्यादा हो गई थी बहुत। तो हमारे यहाँ धूल बाहर रोड इतना चलता है कि धूल इतनी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो अब इसको इन साइकिलों से को धुल के ही रखे हैं, नहीं तो फिर ये दोबारा खरीदनी गंदी हो जाएगी। ओह मुझे तो कपड़ा लपेट के सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो हमारे घर में इतनी सारी साइकिलें इकट्ठी हो रखी है ना, तो साइकिलों की कंपनी खुली हुई है हमारे घर में। हर साइज की साइकिल है, ये तो छोटी वो उससे बड़ी, एक वो उससे बड़ी रेड वाली, फिर ये उससे बड़ी, एक उसे एक उधर रखी हुई है, इतनी सारी साइकिल है, लाइन लगी हुई साइकिलों की। तो हो चुकी है मेरे स्टोर रूम की सफाई, और यहाँ मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया क्योंकि पानी निकलने की यहाँ जगह नहीं है, धुलाई यहाँ कर नहीं सकते, तो मैंने गीला गीला कपड़ा खूब सारा गीला करके लगा दिया। तो ये सामान हमारा अच्छे से लग चुका है सारा, ये सारा निकाल के सफाई हुई है, अब जाके कुछ ठीक लग रहा है इस कमरे में। अभी सामान बाहर से अंदर आएगा जो बाहर पड़ा है। अगर मैं यहाँ रख दूंगी ना ये फिर इसमें नंगे का देखो बाबू, पानी कुछ कम था, क्या हुआ? तो देखिए यहाँ चल रहा है पूरा जोरों शोरों के साथ काम, प्रगति पर है काम हमारा। तो ये भी हटाऊंगी मैं यहाँ पे, तो ये कागज के नीचे भी
चींटियां चींटियां हो गई, तो यहाँ भी चींटियां चींटियां भागी फिर रही हैं सारे में। देखिए इतनी छत मैंने धुल दिया सारी की सारी, बस ये अभी इधर का काम मेरा बाकी रह गया है थोड़ा सा, बस ये अभी धुल दूंगी मैं, और ये फिर साइकिल अंदर जा रही हैं धीरे धीरे करके कमरे के अंदर। इधर से भी सफाई हो चुकी है, और एक हमारे बाबूजी ने क्या करा है, कूड़ा रखा है यहाँ पे, उसको उठा के फेंक दिया, दोबारा से फिर इसको कूड़े को इसमें ही करना पड़ा ना। शैतान मचता है बहुत ज़्यादा, अब वो शैतानी मचा मुचू के नीचे चला गया दुनिया भर की शैतानी करने के बाद, परेशान करने के बाद। और आज मैंने इस तुलसा के पौधे में छोटे छोटे से जो है पौधे और लगाए लाके, तो ये नीचे बालकनी में लगे हुए थे, और नीचे बालकनी में थे काफ़ी सारे लटक रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कल मैं इस पौधे में लगा दूँ, जब लटक जाएंगे और अच्छे लगेंगे, उग जाएंगे अच्छी तरह। तो देखिए, तो आज मैं छत पे मैं और मेरे हस्बैंड, तो आज छत पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही लगे हुए हैं, तो हस्बैंड मेरा जो है ना वीडियो अपनी बनवाते नहीं है, मना कर देता है मेरी वीडियो को तो बनाना, इसलिए मैंने उनकी बनाई नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हम अपना ही काम दिखा देने जो भी हम कर रहे हैं। तो मैं और बच्चे चले गए स्कूल, तो आज पूरे छत की नहीं तो बेचारे हेल्प करा देते, कल उन्होंने बहुत हेल्प कराई किचन का काम करने में, कल पूरी हेल्प की उन्होंने, उन्होंने पूरी मेहनत की। कितनी मिट्टी निकल रही है छत पे, तो खुली छत पे मिट्टी बहुत आती है, ये तो बात है।